नाम कयूल हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की कैनवा की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने YouTube चैनल के लिए चैनल आर्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यानी YouTube के हमारे चैनल को प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और ये आजकल के टाइम में बहुत डिमांडेबल आइटम चल रहा है अपवर्क फाइवर वगैरह पे। आप लोग ये सीखने के बाद ये सर्विस दूसरों को सेल करके भी महीने की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले हम YouTube के बैनर के साइज को समझते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे मैंने खोला है, इसमें देखिए सबसे पहले हम समझते हैं YouTube बैनर। देखिए YouTube बैनर जो पूरा खुलेगा वो खुलता है टीवी पर, पूरा ओपन जो होता है उसका देखिए साइज हमारे पास ये आ रहा है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जब डेस्कटॉप पे हम यूज करते हैं तो डेस्कटॉप पे हमारे पास ये साइज होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो साइज है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जब हम टैबलेट में खोलते हैं अपने YouTube चैनल को तो हमारी इमेज जो है सिर्फ इतनी नजर आएगी, जो इतने हिस्से में होगा वो चीज़ हमारे टैबलेट में नजर आएगी। इसके बाद देखेंगे जब हम डेस्कटॉप पे खोलेंगे और मोबाइल डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल पे तो हमारे पास क्या होगा, कितना हिस्सा शो होगा। तो हम जो जितनी वर्किंग करेंगे हम सारी इस हिस्से में वर्किंग करेंगे। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप टैबलेट पे अगर आप किसी चैनल वगैरह पे जाके विजिट भी करेंगे तो आप लोगों को देखेंगे कि वहाँ पे क्या देखें सिर्फ इतने हिस्से में जो चीज़ होगी वो आपको विजिबल होगी, ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़े फ्रेम के लिए और टीवी वगैरह के लिए, ठीक है। तो आज आइए चलते हैं कैनवा पर, देखते हैं हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं पहले आपको कुछ टेम्पलेट दिखाता हूँ। अभी देखिए ये हमने YouTube क्या है, YouTube बैनर को हमने सर्च करा तो इसके कुछ टेम्पलेट आ चुके हैं। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी उठा के सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कस्टमाइज करके अपनी चीज़ों को ऐड करके अपने YouTube चैनल पे लगा सकते हैं। इस पर अगर आप गौर करें तो देखें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी क्या है सारी सेंटर में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, देखें यहाँ पे जो हमारा मेन पार्ट जो आ रहा है वो सेंटर में आके इसके पीछे के वॉलपेपर लगा हुआ है, डिज़ाइन है, ठीक है। इस तरह देख लें आप और देख लें, देखिए ये पूरा सेंटर में है, ये सेंटर में है, ये सेंटर में है। तो यहाँ से आप कोई से भी क्या कर सकते हैं, पिक करके उसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको यूज़ करके सारी चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक अपना बनाते हैं और मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग भी अपना क्रिएट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को यूज़ करके, या आप चाहें तो बना बनाए टैबलेट को भी यूज़ कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के बैनर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट पे, देखिए क्रिएट पर हम लिखेंगे यूट्यूब बैनर, देखिए यूट्यूब बैनर हमने क्लिक करी, इसने साइज देखे हमें बता दिया खुद ऑटोमेटिक, इसने हमें बता दिया था जो सबसे बड़ा साइज है ये हमारे क्या है टीवी स्क्रीन का साइज आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम मार्क करेंगे और उस पर हम वर्किंग करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे टीवी साइज का जो है पूरा हमारे ये बैनर आ चुका है, इस पर हम क्या करेंगे, हम सेंटर वाले जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसको हम पहले मार्क करेंगे फिर हम उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब जब हम इमेज पर आते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो सेंटर का पार्ट ये बता रही है 1546 423, ठीक है ना, 15 ये रहा देखें 1546 423। तो अब देखें हम इस पर हम इसको यहाँ पे रूलर किस तरह यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ एलिमेंट में आके मैं लिखता हूँ शेप। अब देखिए यहाँ पे शेप आ गया, अब मैंने क्या करा ये शेप मैंने यहाँ पे लगाया। अब देखिए हमारी विड्थ क्या है, हमारी विड्थ जो है 1546 है, ठीक है। तो मैं इसको देखिए जब मैं इसको यहाँ पे ब्रैक करूँगा तो ऑटोमेटिक देखें यहाँ पे क्या है लिखा हुआ आ रहा है कि विड्थ हमारी क्या है, हमारी हमें लेनी है 1546, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं 15, देखें अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो इशू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेने 1546, तो मैं इसको हल्का सा और बड़ा करता हूँ, हम 42 तक आ गए, देखें 45 तक आ गए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास देखें हाइट हमारी क्या है, इसके अंदर हाइट है हमारी पास 423, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लूँगा 423 के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, 10 है और ये हो गए हमारे 6, ये आ गए बिल्कुल एक्स। इसको मैं अब क्या करूँगा देखें सेंटर में लेकर आऊँगा, अभी हमारे क्या है पूरे बैनर का सेंटर बन चुका है। तो इतना वाला पार्ट जो है वो हमारी क्या है मोबाइल वगैरह पे ये सारे चीज़ों में हमें इजीली दिख सकता है, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में बताया, ठीक है। अब इसमें हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, इसका हम क्या करते हैं इसको हम आउटलाइन दे देते हैं और इसके अंदर हम सारी वर्किंग करेंगे। और इसको मैं अभी कलर जो है इसका बैकग्राउंड जो है मैं वाइट कर देता हूँ, अगर हमें कुछ चेंज करना होगा तो हम वो बाद में भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास देखें ये आउटलाइन बन चुकी है, अब हमें जो काम करना है हमें इसके अंदर करना है, ठीक है। तो आप ये मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से आप अपने बैनर को क्या बना सकते हैं। अब देखिए क्या है आपका चैनल जिस हवाले से हो जिस कैटेगरी से रिलेटेड हो तो आप क्या करेंगे वो आप बैकग्राउंड में इमेज यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपको अच्छे लगे आप अपने बैकग्राउंड में इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बैकग्राउंड में आता हूँ, जो जो चैनल की कैटेगरी उस हिसाब से आप यहाँ पे इमेज डालेंगे। ये देखिए बहुत सारी इमेज यहाँ पे दे रहा है, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, या चाहे तो गूगल से फ्री पिक उठा के भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये पूरा बैकग्राउंड तो हमारे पास आ चुका है, अब हमें सेंटर पे काम करना है। सेंटर में जो 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 आपके चैनल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंपोर्ट करा सकते हैं। अब देखिए अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वाले पार्ट में मेरा क्या है मेरे चैनल का लोगो होना चाहिए, तो एक मेरे पास ऐसे टेम्पलेट बना हुआ रखा है मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था, तो वो मैं आपको इसमें इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड में आने के बाद देखिए ये है मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये देखिए हमारे पास क्या है इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा मैं इसको साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको साइड से मैं चाहूँ तो इसका क्या कर सकता हूँ बॉर्डर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर वेट बढ़ा सकता हूँ, चाहूँ तो इसके
कॉर्नर को भी राउंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख सकता हूँ इस पर, या जो चीज़ भी है जिस चीज़ से आप रिलेटेड आपका चैनल है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई पिक कर लूँ, या चाहूँ तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से ये तो यहाँ से देख लेते हैं कोई। अब देखिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, चैनल का नाम लिख देता हूँ मयूर खान, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए मेरा नाम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जिस देखिए नाम मेरे यहाँ पर आ चुका है, अब इसके बाद मैं चाहूँ तो कोई टैक्स ऐड करता हूँ जिस हवाले से मेरा चैनल है, या चैनल का स्लोगन वगैरह मैं नीचे ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री लांसिंग के हवाले से मैं चीज़ें सिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसका कलर वगैरह जो मुझे चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये सेट है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एलिमेंट में आके मैं क्या कर सकता हूँ, सब्सक्राइब का बटन भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्री वाला कोई बटन है, तो मैं उसको अपनी इस वाली इमेज में क्या कर सकता हूँ, देखें यूज़ कर सकता हूँ। ये यहाँ पर आ गया, मैं इसको छोटा करके इसको यहाँ साइड में लगाते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने YouTube चैनल का बैनर बना सकते हैं अच्छा सा, क्योंकि लोगों को क्या है बैनर के हवाले से नॉलेज नहीं है, वो इमेज उठा लेते हैं लेकिन जब वो YouTube पे लगाते हैं तो वो इमेज पूरी प्रॉपर तरीके से आती नहीं, क्योंकि उनको बैनर का साइज़ का इलम नहीं है, या कभी क्रॉप हो जाती है, कभी आधे हिस्सा जो मेन पार्ट है वो ऊपर चले जाता है, वो शो ही नहीं करता। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए अपना आप एक अच्छा सा प्यारा सा बेहतरीन सा क्या कर सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, जो आपके क्या होगा टीवी के हिसाब से भी एडजस्ट होगा, और आपके मोबाइल के हिसाब से, टैबलेट के हिसाब से, और डेस्कटॉप के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट जो है बन चुका है। अब देखिए साइड में यहाँ पे हमारे पास जगह आ रही है, तो ये भी क्या है डेस्कटॉप पे हमें शो करेगा। चाहूँ तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, या कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ यूट्यूब के बटन। अब देखिए मैं यूट्यूब में यहाँ पर सर्च करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मेरा YouTube का बटन आ चुका है, ठीक है। मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ साइड में मेरे पास जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं मैं उनका यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लोगो लगा के उनकी आईडी मेंशन कर सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये आ गया, और इसके बाद हमारा आ गया फेसबुक। अभी देखें मैंने यहाँ पर क्या करा, फेसबुक का लोगो भी यहाँ पर ला के पुट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ, मैं अपने YouTube अकाउंट जो मेरा है मैं उसकी डिटेल डाल सकता हूँ, फेसबुक अकाउंट की डिटेल डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आता हूँ, टेक्स्ट में आने के बाद मैं यहाँ हेडिंग में चले जाता हूँ। जैसे YouTube का मेरा अकाउंट है गयूर खान@gk, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर इसके आगे पुट कर दूँगा, ठीक है। साइज़ में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है। तो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, साइज़ छोटा हो रहा है, साइज़ बड़ा करके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये आराम से दिख जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वाइट कलर यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखें पढ़ने में भी आ रहा है और ये वाइट हो चुका है, ठीक है। सेम इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को मैंने यहाँ फेसबुक का लगाया, तो आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं आप सारे अकाउंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे फेसबुक का मेरा ये लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पूरा जितने भी आपके अकाउंट हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये देखें हमारा पूरा बैनर था, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ किस तरह है। देखें ये हमारा पूरा बैनर बन चुका है। तो आपने भी क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना एक बैनर अच्छा सा बनाना है, जो आपने अपने यूट्यूब चैनल में यूज़ करना है। आप बना बनाए लेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपको मसला फेस करना पड़ सकता है, और अगर आप बनाने में आपको मुश्किल है, आप नहीं बना सकते हैं, या आपको कैनवा पर बनाने नहीं आ रहा, तो बने बनाए आपको बहुत सारे अच्छे टैबलेट मिल जाएंगे कैनवा में, आप उसको यूज़ करके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल का बैनर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।